बच्चों आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। हमें क्या बोल रहा, फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल, हमें मल्टीपल निकालने में 3 and 4 के फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स निकालने। अब 3 की टेबल, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 3 की टेबल बोलेंगे, ठीक है। अगर हम 3 की बोलेंगे 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है 3 5 15, 3 6 18, 21, 24, 27, 30, ऐसे हम करते जाएंगे 33, 36, ठीक है। ऐसे मैं 4 की बोलूँगा भाई, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। अब मुझे कॉमन देखना, एक तो कॉमन हमारा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई, 12 है दोनों जगह 12, तो कॉमन मल्टीपल। अगर हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल तो पहला क्या है 12 है, दूसरा यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है भाई 24 हो जाएगा, यहाँ भी क्या 36 है और यहाँ भी हमारा 36 आ रहा, तो तीसरा क्या हो जाएगा 36। हमें फर्स्ट टू लिखने थे 12 और 24, ऐसे 5 and 6 के भाई, 5 and 6 के मल्टीपल भाई, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ओके 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और ऐसे ऐसे मैं 6 का करूँ तो क्या 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66। अब देखो कॉमन मल्टीपल, अगर हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल में दोनों जगह क्या आ रहा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ भी 30 आ रहा और यहाँ भी 30 आ रहा, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे भाई 30, फिर हमारा क्या 60, क्या हो जाएगा 60, अगर हम आगे चलेंगे तो फिर 90 हो जाएगा, तो ये हमारे क्या होंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6, ओके। ऐसे मुझे 4 and 5 के करने भाई, 4 की टेबल बोलो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40, ठीक है 40, 44, 48। ऐसे अगर मैं 5 का देखूं तो क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब मुझे कॉमन मल्टीपल देखने भाई, कॉमन मल्टीपल का मतलब जो दोनों में हो, तो कॉमन मल्टीपल सबसे पहले क्या आ रहा, दोनों में आप देखोगे तो 20 आ रहा भाई, तो सबसे पहले 20 है, फिर हमारा 40 है, हमें 2 लिखने तो 20 and 40, अगर नेक्स्ट देंगे 60 है, फिर 80 आ जाएगा, ऐसा हमारा चलता चला जाएगा, ओके।